हाय डियर फ्रेंड, दिस इज प्रेमिस राहियन। आप लोग का डिप्लोमा विद सोनू चैनल की तरफ से आज जन्माष्टमी पूजा यानी कृष्ण हैप्पी डे की तरफ आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां है। डियर स्टूडेंट, सर्वे का यूनिट फर्स्ट जिसमें टाइप्स ऑफ सर्वे था उसका खत्म आप लोगों का यूनिट वन हो चुका है। सो यूनिट सेकेंड आप लोगों को स्टार्ट आज किया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग जो भी यूनिट वन का वीडियो देखना चाहते होंगे या इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे का वीडियो देखना चाहते होंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इसे लोग देख सके और जुड़ सके। और जो व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते होंगे, व्हाट्सएप यानी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड कर रहा है डिप्लोमा विद सोनू चैनल के नाम से थर्ड सेम सिविल ब्रांच का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड होना चाहते होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ऐड हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज सर्वे यूनिट टू चलेगा जिस चैप्टर का नाम है चैन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे। यानी यह जो यूनिट है इस यूनिट में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग चैन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे। यानी चैन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्रॉस स्टाफ का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका पूरा डिटेल जानेंगे यूनिट टू यानी कि चैन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे में। देखिए, इस यूनिट का पहला पॉइंट है एसओ सीरीज फोर लाइन मेजरमेंट। यानी आप एक सर्वेयर हैं, सपोज आपको एक फील्ड सर्वे करने के लिए दिया गया, मान लीजिए फील्ड जो है वह एक स्क्वायर शेप का है, या फील्ड जो है यह एक स्क्वायर शेप का है, इसका डायरेक्शन कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसका लाइन लीनियर यानी लाइन कैसे मेजरमेंट करेंगे, जो कि एकदम कोप्लानर हो, कोलाइनर हो, कंकरेंट हो, यानी ऐसा हो, उसका कैसे मेजरमेंट करेंगे, ये सब लाइनों के बारे में जानेंगे एसओ सीरीज लाइन मेजरमेंट के बारे में टॉपिक फर्स्ट में। और धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, आप लोग को आज बहुत ही अच्छा से गेन करवाने वाले हैं यूनिट टू का कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि आप लोग एग्जाम में पूछता है। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग देख रहे होंगे कि यूनिट वन में टॉपिक बाय टॉपिक कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एग्जाम में छूट जाए यूनिट वन से। डियर स्टूडेंट, इसलिए यूनिट टू भी उससे अच्छा और स्टडी कराएंगे, आप लोग अच्छा से गेन कीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए बोल रहे हैं एसओ सीरीज फोर लाइन मेजरमेंट, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे जिसका यूज किया है। मान लीजिए आप एक सर्वेयर हैं, फील्ड में सर्वे करने गए, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक लाइन को मेजर किए, फिर इस कॉर्नर पर कुछ ना कुछ तो ऐसा आप इंटरवल करिएगा, अर्थ में ऐसे इंटरवल करिएगा अर्थ में जिससे दूसरा, यानी ये तो आप मेजरमेंट कर लिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट को इंटरवल करिएगा अर्थ में ताकि ये अवे कनेक्ट हो जाए। फिर उसी तरह से यहाँ भी इंटरवल करिएगा ताकि ये अवे कनेक्ट हो जाए। डियर स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे, यह लाइन को किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। अब डायरेक्शन होगा, यहाँ से यहाँ इधर जाना है, फिर इधर आना है, फिर इधर जाना होगा। डायरेक्शन को किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करेंगे उसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए परपेंडिकुलर ले जाना है लाइन को, तो उसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। यानी हर एक को मान लीजिए वर्टिकल लेवलिंग करना होगा। देखे होंगे आप लोग, जब एक बोला जाता है मिस्त्री जो घर बनाते हैं उनके पास देखे होंगे कि एक साहू के रूप में, यानी जिसको लड्डू आप लोग बोलते हो उसके रूप में रहता है, वह क्या है उसके बारे में जानेंगे। यानी वर्टिकल मेजरमेंट, मान लीजिए इस वर्टिकल को मेजरमेंट करना है, इसको देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करना है, यहाँ से यहाँ तक इस वर्टिकल लाइन को कैसे मेजरमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक इन डिटेल। देखिए पहला है कंपोनेंट, अगर आप फील्ड में सर्वे करने जाते हैं तो लाइन मेजरमेंट करने के लिए चैन का यूज कीजिएगा। मान लीजिए आपको 20 से 30 मीटर यूज करना है मेजरमेंट, चैन का यूज कीजिएगा। यानी लीनियर यानी लाइन का मेजरमेंट करने के लिए चैन का यूज करेंगे, और सेकेंड में टेप का, यानी चैन और टेप दोनों को मेजरमेंट करने के लिए लाइन मेजरमेंट का यूज किया जाता है चैन और टेप का यूज करने के लिए। अब देखिए तीसरा कंपोनेंट है आप लोग का पेग।
यहाँ पर मान लीजिए इस कॉर्नर पर जो इंटरवल करेंगे यहाँ से यहाँ तक यूज किए थे उसको यहाँ इंटरवल करेंगे पेक को, पेक को इंटरवल करेंगे उसका साइज के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी ये जाने पेक है क्या। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे यानी एक लाइन से दूसरे लाइन को कनेक्ट करने के लिए वह होगा पेक, पेक का यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट आई होप आप लोग को तीन टॉपिक यानी तीन पॉइंट समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए अगला बोलता है एरो। एक सर्वेयर जो रहता है वो फील्ड में सर्वे करने जाता है तो नंबर ऑफ एरो जो है ये पूछता है नंबर ऑफ एरो कितना लेके जाता है, 10। नंबर ऑफ एरो 10 लेके जाना है यानी मान लीजिए कहीं कहीं मुड़ान आ गया, इस तरह से लाइन में मुड़ान आ गया, तो यहाँ पर जो मुड़ान यानी जो डायरेक्शन चेंज होगा वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स वह होगा मेरा एरो। ठीक है, अगला रेंजिंग रड है। देखिए कहीं कहीं पेक के जगह ही रेंजिंग रड का यूज किया जाता है बट साइज में डिफरेंट रहता है, कोई छोटा बड़ा रहता है, साइज का डिफरेंट पाया जाता है। तो अगला ऑफसेट रड, जस्ट एरो रेंजिंग रड यानी रेंजिंग रड और ऑफसेट रड सेम है बट कुछ कुछ इस सब का डिफरेंट है। तो आगे जानेंगे। देखिए प्लम्बर जो लेवलिंग करना रहता है यानी वर्टिकली डायरेक्शन वर्टिकली जो मेजरमेंट करना रहता है वह प्लम्बर का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। यानी प्लम्बर देखे होंगे जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में साहू, यह साहू होता है प्लम्बर। अगला ऑफसेट स्क्वायर है। देखिए बोले थे कि परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन को मेजरमेंट करना है, परपेंडिकुलर अगर लाइन को मेजरमेंट करना है तो हम ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। अगला है लाइन रेंजर। देखिए लाइन रेंजर क्या है, जस्ट लाइन रेंजर एरो की तरह समझिए, सो डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को लीनियर मेजरमेंट अगर करना होगा तो उसमें 9 कंपोनेंट आप लोगों को चाहिए डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट आप लोग यह कंपोनेंट को उतारिए, नोट कीजिए, एक एक का डिस्कस करेंगे बारी बारी से। आई होप आप लोग उतार चुके होंगे। सो आइए डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। पहला टॉपिक है, पहला कंपोनेंट है, पहला इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों को एक बात बता दें, आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे मत रहिए क्योंकि कितना सिलेबस खत्म कर चुका है सो आप लोग पिछले सेमेस्टर में देख ही लिए हो और मैं भी देख ही लिया हूँ क्योंकि मैं इस बार फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, मैं इस बार फिफ्थ सेम का स्टूडेंट हूँ तो मैं भी देख ही लिया हूँ। इसी को देखते हुए मैं थर्ड सेम का क्लास स्टार्ट किया हूँ डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ जितना मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आप लोग उतना गेन कर लेते हो तो आप लोगों को एक दो नंबर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोग ला सकते हो, यानी 7 मार्क्स में यानी 70 मार्क्स में आप लोग नहीं हो तो नहीं हो 65 मार्क्स ला सकते हो। मैं इतना आप लोग को मटेरियल प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोग कहीं का नोट्स भी मिलाइए, इतना इजी लैंग्वेज डिटेल नहीं समझाया गया होगा। सो डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं, पहला जो कंपोनेंट था वह था चैन। देखिए चैन क्या है, ये चैन एक लीनियर मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए आपको लाइन मेजरमेंट करना है चैन का यूज कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ 20 मीटर है तो आप किसकी मदद से लेंथ मेजरमेंट करिएगा, चैन का मदद से। अब चैन जो होता है वो माइल्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है उसका बना होता है, यानी ये चैन बना हुआ किसका, माइल्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है उसका चैन बना होगा। देखिए इस चैन जो होता है इसके दोनों हैंडल पर ब्रास नाम का एक रिंग लगा होता है हैंडल, यानी यह जो चैन होता है वह दोनों किनारा पर जो होता है वह ब्रास का हैंडल लगा होता है। मान लीजिए यह सब तो चैन है, इसके दोनों ओर हैंडल लगे हैं। ठीक है, एक सर्वेयर होता है जो इधर से धरता है और एक जो होता है फील्ड में वर्कर वह उधर से धरता है, यानी दोनों इस डायरेक्शन में ऐसे धरेंगे कंपोनेंट सही से चैन को, तो चैन से लीनियर मेजरमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट। यानी यह ब्रास हैंडल पाया जाता है, इसमें जो होता है वह लिंक होते हैं यानी यह कंसिस्ट होते हैं इस तरह से लिंक से, तो लिंक होते हैं उसके बारे में। और इसमें क्या होता है देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप मुड़ना है, अगर आपको मुड़ना है तो विदाउट ट्विस्टिंग यानी बिना टूटा हुआ, यानी बिना टर्न हो जाता है बिना टूटा हुआ, यानी विदाउट ब्रेक बोले तो विदाउट ब्रेक यानी बिना टूटा हुआ, या क्या होता है मुड़ जाता है ट्विस्ट हो जाता है डियर स्टूडेंट चैन।
देखिए आप सर्वेयर हैं, फील्ड में सर्वे करने गए, वहां से आप सर्वे करके आ गए, चैन को लाए, मोड़ मार के जैसे तैसे फेंक दिए इन्वेस्टमेंट, तो आप देखते होंगे कि जैसे तैसे फेंकने से कोई भी उसमें एरर नहीं आता है। सो बट इसमें एक इफेक्ट आ जाता है, अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर ज्यादा है तो देखे होंगे या सुनेंगे कि टेम्परेचर अगर हाई है तो जो आयरन होता है वह इंक्रीज करता है लेंथ, और वही अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो आयरन क्या होता है, कंप्रेस होता है, यानी इसमें टेंशन टेंशन एंड कंप्रेशन का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, यानी तनाने और दबने का प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है चैन में। सो डियर स्टूडेंट, आइए इसके बारे में नोट कर लेते हैं, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। देखिए चैन बोलता है इट इज द लीनियर मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज द लीनियर मेजरमेंट ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। देखिए यह जो होता है वह लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। आगे देखिए जानते हैं इसका, देखिए बोल रहा है क्या चैन है, इट इज द लीनियर मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज कंसिस्ट ऑफ, यह कंसिस्ट होता है सेवरल लिंक से, यानी लिंक बाय लिंक यह कनेक्ट होता है, यह लिंक बाय लिंक कनेक्ट होता है, इट इज अवेलेबल इन मार्केट, यह जो होता है मार्केट में अवेलेबल है 20 मीटर या 30 मीटर, यानी यह जो होता है अवेलेबल मार्केट में 20 मीटर या 30 मीटर या 5 मीटर का भी होता है। डियर स्टूडेंट देखिए यह मार्केट में अवेलेबल है 5 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर का। देखिए यह चैन जो है वह लीनियर मेजरमेंट करता है, और बोले तो यह सेवरल से कनेक्ट होता है। डियर स्टूडेंट चैन जो होता है इट इज द लीनियर मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यह एक लीनियर मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है जिस कंसिस्ट होता है बहुत सारा लिंक से, बहुत सारा लिंक से कनेक्ट होता है, और यह अवेलेबल मार्केट में है 5 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट चैन के डिफिनेशन हो चुका है और यह चैन के टाइप्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, यह चैन का बहुत सारा टाइप्स होता है, यानी यह चैन जो है वह डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट करता है। कैसे, मान लीजिए कोई मीटर में किया, कोई सेंटीमीटर में किया, कोई फीट में किया, कोई लाइन में किया, ये सब के बारे में जानते हैं चैन में। तो देखिए डियर स्टूडेंट पहला टाइप जो होगा चैन का वह होगा मीट्रिक सिस्टम, यानी पहला जो चैन होता है वह मीट्रिक सिस्टम में मेजरमेंट करता है। दूसरा होता है इंजीनियर चैन, दूसरा होता है इंजीनियर चैन, और अगला जो होता है वह रिवेन्यू चैन होता है। अगला जो है वह रिवेन्यू चैन है, और देखिए जो फोर नंबर होता है वह स्टील चैन होता है। देखिए डियर स्टूडेंट फिर से एक बार रिपीट करते हैं, चैन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लीनियर मेजरमेंट करता है। ठीक है, यह जो होता है वह सेवरल लिंक से कंसिस्ट होता है, और यह जो अवेलेबल है मार्केट में वो 5 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर में अवेलेबल है। अब देखिए चैन के टाइप्स के बारे में जानेंगे, तो चैन जो होता है वह पहला मीट्रिक सिस्टम होता है, दूसरा इंजीनियरिंग चैन होता है, तीसरा रिवेन्यू चैन, और अगला स्टील चैन। अगला आगे हम देखते हैं कि ये सब जो सिस्टम में होते हैं चैन वह कैसे मेजरमेंट करते हैं, किस चीज से बने होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, उनका क्या डिफेक्ट होता है, सब बारे में जानेंगे। फिलहाल अभी ये उतारिए आप लोग डिफिनेशन ऑफ चैन एंड टाइप्स ऑफ चैन, चैन ऑफ टाइप्स।
देखिए डियर स्टूडेंट, एक और टाइप्स लिख लीजिए, ज्यादा यही जो फोर टाइप्स है वही इम्पोर्टेंस है, यह फोर टाइप्स ही इम्पोर्टेंट है और पांचवा जो टाइप्स है वह उतना यूज नहीं है। सो आप लोग फोर ही रहने दीजिए। आई होप आप लोग चैन का डेफिनेशन उतार चुके होंगे। आइए आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ चैन। चैन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा चैन कहाँ यूज किया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चैन। चैन कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या यूज है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानते हैं। पहला होता है चैन, वह मीट्रिक चैन होता है। पहला चैन मीट्रिक चैन है और दूसरा जो चैन है वह इंजीनियर चैन है। दूसरा जो है वह इंजीनियर चैन है और तीसरा जो चैन होता है वह स्टील चैन है। तीसरा चैन जो है वह स्टील चैन है। देखिए मीट्रिक चैन, इंजीनियर चैन, स्टील चैन और अगला जो चैन है वह रिवेन्यू चैन है। और अगला जो चैन होता है वह गंटर चैन है। देखिए डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ चैन जो होते हैं, पहला होते हैं इंजीनियरिंग चैन, गंटर चैन और स्टील चैन, रिवेन्यू चैन और मीट्रिक चैन। डिस्कस करते हैं कि यह चैन जो टाइप्स ऑफ चैन है उसका क्या यूज है, वह किस सिस्टम में मेजरमेंट किया जाता है। जैसे मीट्रिक चैन जो है वह मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, इसी तरह से जानेंगे किस चैन को मीटर में, किस चैन को सेंटीमीटर में और किस चैन को फीट में अवेलेबल है जिससे मेजरमेंट किया जाता है। सो आइए डिस्कस करते हैं पहला मीट्रिक चैन के बारे में। पहला जानते हैं मीट्रिक चैन के बारे में। पहला जानते हैं मीट्रिक चैन के बारे में। देखिए मीट्रिक चैन के बारे में जानते हैं, पहला में मीट्रिक चैन है। देखिए पहला हम जानते हैं मीट्रिक चैन के बारे में। देखिए मीट्रिक चैन क्या है, कोई चैन ऐसा भी होगा, ज्यादातर अभी जो मार्केट में अवेलेबल होता है चैन वो मीटर में होता है, यानी जिस चैन को, जिस चैन की मदद से लाइन को मेजरमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट मीटर में, किसमें, मीटर सिस्टम में, वही होगा मीट्रिक चैन। और यह जो होता है वो माइल्ड ग्रेनाइट स्टील से बना होता है, जिसका हैंडल दोनों ओर ब्रास का बना होता है। जिसका हैंडल जो दोनों ओर होता है वह ब्रास का बना होता है। यह जो होता है वह 5 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तक अवेलेबल है मार्केट में डियर स्टूडेंट। और डियर स्टूडेंट यह जो मीट्रिक चैन होता है वह इसमें 100 लिंक होते हैं। जस्ट अभी डिस्कस करेंगे आगे इसमें टैली कितने होते हैं, कितना पर टैली को प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए मीट्रिक चैन क्या लिखेंगे, इन दिस चैन मेजरमेंट इन लाइन मेजरमेंट। देखिए इन दिस चैन इज मेजरमेंट ऑफ लाइन इन मीट्रिक सिस्टम, बोल रहा है इन दिस चैन इज मेजरमेंट ऑफ लाइन इन मीट्रिक सिस्टम इज कॉल्ड मीट्रिक चैन। इसको बोला देखिए इन दिस चैन इज, यानी जिस चैन के मदद से मीटर सिस्टम में लाइन को मेजरमेंट किया जाएगा वही मेरा मीट्रिक चैन होगा। इतना आप लोग उतारिए आगे और इसमें पॉइंट कुछ है उसको डिस्कस करते हैं।
आई होप आप लोग उतार चुके होंगे। आइए मैट्रिक चयन के बारे में और कुछ पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ जो भी आप लोगों को हर एक पॉइंट का स्टडी कराया जाएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा, यानी नोट पॉइंट में होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव यहीं से उठेगा। देखिए आगे बोलता है, इन दिस चैन इज अवेलेबल, इन दिस चैन इज अवेलेबल इन मार्केट, इन दिस चैन इज प्रोवाइड, ज्यादा सुटेबल वर्ड है, प्रोवाइड इन मार्केट 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। देखिए इन दिस चैन इज प्रोवाइड इन मार्केट 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर एंड 30 मीटर। और देखिए इट इज मेड इन माइल्ड गैल्वेनाइज स्टील, यह जो है वो माइल्ड गैल्वेनाइज माइल्ड स्टील का मीट्रिक चैन रेस्टोरेंट बना रहता है। और इसमें जो होता है वह टैली प्रोवाइड होता है इच मीटर लेंथ। देखिए टैलीज आर प्रोवाइड इच, देखिए टैली जो इसमें प्रोवाइड होता है वह इच मीटर लेंथ में होता है, इच मीटर। कहने का मतलब है कि 1 मीटर में एगो टैली होगा। मान लीजिए आपके पास 30 मीटर का चैन है, यानी लेंथ ऑफ चैन जो है वह 30 मीटर है। तो मान लीजिए इसको डिवाइड करेंगे हर एक मीटर में, अगर 30 बार हर एक मीटर में 30 बार डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एगो टैली प्रोवाइड होगा। टैली का सिंबल इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक एगो टैली प्रोवाइड होगा, यहाँ से यहाँ तक एगो टैली प्रोवाइड होगा, यहाँ से यहाँ तक एगो टैली प्रोवाइड होगा। तो वही बोलता है डियर स्टूडेंट कि हर एक मीटर में इच लेंथ में हर एक मीटर में एगो टैली को प्रोवाइड किया जाता है। आइए आगे पॉइंट को जानते हैं। इसका जो हैंडल होता है, देखिए जो 20 मीटर का चैन है एंड 30 मीटर का चैन है और टेलीजार प्रोवाइड, यानी मान लीजिए 20 मीटर का चैन है और 30 मीटर का चैन है तो उसमें क्या होगा। तो देखिए 20 मीटर और 30 मीटर चैन है, टेलीजार प्रोवाइड इन इच 5 मीटर लेंथ, यानी प्रत्येक लेंथ में नहीं 20, देखिए 20 मीटर का चैन है, 30 मीटर का चैन है, उसमें जो टैली प्रोवाइड होता है डियर स्टूडेंट वो 5 मीटर के लेंथ में, एवरी लेंथ में 5 मीटर प्रोवाइड किया जाता है रिंग्स, क्या 5 मीटर पर रिंग्स प्रोवाइड किया जाता है। आइए समझते हैं, एक बार पॉइंट को फिर से रिपीट करते हैं डियर स्टूडेंट। मीट्रिक चैन है तो मीटर सिस्टम में मेजरमेंट करेगा वह मीट्रिक चैन कहलाएगा। और उसके बाद बोला, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि वह जो होता है वह माइल्ड गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का बना होता है। और अगला बोला कि मार्केट में जो अवेलेबल है मीट्रिक चैन 5 मीटर का, 10 मीटर का, 15, 20, 25, 30 मीटर तक अवेलेबल है, इटीसी ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद माइल्ड स्टील हो गया क्लियर। अगला बोला कि जो इसमें टैली प्रोवाइड किया जाता है वो प्रत्येक लेंथ में प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए 30 मीटर का चैन है, 20 मीटर का चैन है, तो उसमें जो टैली को प्रोवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट वो हर एक मीटर में प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए सपोज 30 मीटर का चैन है तो प्रत्येक लेंथ पर, प्रत्येक मीटर पर टैली को प्रोवाइड करेंगे। अगर रिंग प्रोवाइड करना होगा तब डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए 20 मीटर का चैन है, 100 मीटर का चैन है, 20 मीटर का चैन है या 30 मीटर का चैन है, ठीक है, मान लीजिए 20 मीटर का आपके पास चैन है, 30 मीटर का चैन है, तो जो रिंग्स प्रोवाइड होगा डियर स्टूडेंट वो 5 मीटर के लेंथ पर होगा। मान लीजिए आपके पास 100 मीटर का चैन है, 100 लिंक है इसमें, इसमें क्या है 100 लिंक है और 20 मीटर का चैन है डियर स्टूडेंट। देखिए आइए समझते हैं, इसको डिस्कस करते हैं आगे पॉइंट में, इसको उतारिए आप लोग, इसको बढ़िया से समझते हैं।
क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंस है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाता है इससे। उतारिए आई होप आप लोग उतार चुके होंगे। आइए आगे डिस्कस करते हैं। आप लोग बता रहे थे चैन के बारे में, देखिए मान लीजिए यह चैन है, ठीक है, मान लीजिए यह चैन है, यहां से यहां तक जो लेंथ है इसका वह 20 मीटर का चैन है, ठीक, यह 20 मीटर का चैन है, यानी एक चैन बराबर कितना लेंथ है डियर स्टूडेंट, 20 मीटर, ठीक है। एक चैन है जिसमें 20 मीटर का लेंथ है, अगर इसमें 20 और लिंक कितना है, लिंक इसमें कितना है डियर स्टूडेंट, 100। एक चैन है जिसमें 20 मीटर का लेंथ है तो नंबर्स ऑफ लिंक्स कितने हैं, 100। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हमको 100 तो इसमें रिंग्स कितना होंगे, इसमें रिंग्स कितना होता है, तो रिंग्स बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट लिंक्स अपॉन चैन ऑफ लेंथ, लिंक्स अपॉन चैन ऑफ लेंथ, सॉरी चैन ऑफ लेंथ, यानी लिंक्स अपॉन चैन ऑफ लेंथ। लिंक्स आपका है कितना डियर स्टूडेंट, 100 है, और लेंथ ऑफ चैन कितना डियर स्टूडेंट, 20 है, कट जाएगा तो 5। यानी एक चैन अगर 20 मीटर का लेंथ है और लिंक्स उसमें 100 है तो रिंग्स कितना हो जाएगा, 5, नंबर्स ऑफ रिंग्स 5, यानी 5 मीटर पर, यहां से यहां अगर 5 मीटर हो जाएगा डियर स्टूडेंट तो एक रिंग्स प्रोवाइड हो जाएगा, यहां से यहां तक 5 मीटर होगा तो एक रिंग्स प्रोवाइड होगा, यहां से यहां तक अगर 5 मीटर होगा तो एक रिंग्स प्रोवाइड होगा, यानी हर एक रिंग्स 5-5 मीटर पर प्रोवाइड किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 समझेंगे, जो 30 मीटर का लेंथ लेके समझेंगे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, सो इतना एग्जाम्पल उतार लीजिए। देखिए आप लोग ये सब पूछेगा 4 मार्क्स में डियर स्टूडेंट, लेकिन 4 मार्क्स में कम से कम सुटेबल लिखिएगा तब ना नंबर देगा, सो आप लोग उतारिए। आई होप आप लोग एग्जाम्पल 1 को समझ चुके होंगे, एग्जाम्पल 2 समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, मान लीजिए आपका यहां से यहां तक चैन था जिसका लेंथ अगर माने तो 30 मीटर होगा, ठीक है, यह 30 मीटर, यानी इसमें एक चैन का लेंथ कितना है डियर स्टूडेंट, 30 मीटर। एक चैन है जिसका लेंथ 30 मीटर है, तो इसमें लिंक्स कितने हैं, लिंक्स 150 है, यानी एक चैन है जिसका लेंथ 30 मीटर है, नंबर्स ऑफ लिंक्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ लिंक्स कितने हैं, 150, तो इसमें रिंग्स कितने होंगे, इसमें रिंग्स कितने होंगे, रिंग्स बराबर होता है क्या, तो देखिए नंबर ऑफ लिंक्स अपॉन लेंथ ऑफ चैन, ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए बोला रिंग्स बराबर क्या होगा, तो नंबर्स ऑफ रिंग्स लिंक्स अपॉन लेंथ ऑफ चैन, नंबर ऑफ लिंक्स कितना है डियर स्टूडेंट, 150 है, लेंथ ऑफ चैन कितना है 30 मीटर है, कट जाएगा कितना आएगा 5, यानी 30 मीटर का चैन भी है तो उसमें अगर लिंक्स 150 होंगे तो रिंग्स प्रोवाइड होगा डियर स्टूडेंट, वो हर एक 5 मीटर का डिस्टेंस पे होगा, यहां से यहां तक 5 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 5 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 5 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 5 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 5 मीटर का डिस्टेंस है, यानी 5-5 मीटर के डिस्टेंस में डियर स्टूडेंट रिंग्स प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 30 मीटर का चैन है या 20 मीटर का चैन है, 20 मीटर में नंबर ऑफ लिंक 100 रहते हैं और 30 मीटर में नंबर ऑफ लिंक 150 रहते हैं, अगर तो 30 मीटर का भी है या 20 मीटर का है तो वह जो रिंग प्रोवाइड होगा डियर स्टूडेंट वह हर एक 5 मीटर का डिस्टेंस पे रिंग्स प्रोवाइड होगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो डियर स्टूडेंट प्लीज काइंडली योरसेल्फ इंडोर्स द होम,
ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 स्टूडेंट आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास कमेंट आ सके, लाइक और शेयर आ सके। और डियर स्टूडेंट आप लोगों का इस टाइप्स फर्स्ट था मैट्रिक्स चैन, इसके साथ ही है वीडियो आप लोगों का द एंड होता है। सो अगेन वीडियो इज स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप्स गंटर चैन या इंजीनियरिंग चैन या स्टील चैन या रिवेन्यू चैन। सो डियर स्टूडेंट थैंक्स द फुल वॉचिंग लास्ट वीडियो। तो आप लोग इतना उतारिए।